अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मेरी किचन में बन रही है भिंडी प्याज की सब्ज़ी। चलें जी, मैं घर में कैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर करते हैं। भिंडी सब्ज़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। भिंडी मैंने यहाँ पे आधा किलो ली हुई है, 2 बड़े चम्मच दही के हैं और 2 टमाटर मैंने पेस्ट बना लिया है, अदरक 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून गार्लिक, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, मसाले मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट इस्तेमाल किया है, ज़ीरा है और ये भी 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून सूखा अनारदाना है और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 3 मैंने प्याज जो है ना वो बारीक बारीक काट लिए हुए हैं। चलिए जी, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप के करीब ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, तो इसमें मैं सबसे पहले भिंडियाँ जो हैं वो शामिल करूँगी और इनको फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। कभी कभी दिल कर रहा होता है ना, मतलब भिंडी प्याज खाने को, गोश्त हर दफ़ा तो नहीं खाया जाता, तो आज मैंने यही सोचा कि भिंडी प्याज बनाती हूँ। वैसे अमूमन घर में भिंडी गोश्त बहुत बनता है, तो मैंने कहा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करते हैं। अच्छा, इसको ज़रा मैं ब्राउन कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्या शानदार सी भिंडी फ्राई हो रही है। अच्छा, मैंने एक दफ़ा, मेरा इतफाक़ हुआ था कहीं भिंडी खाने का, उन्होंने फ्राई नहीं की हुई थी, लेस उसकी वैसी की वैसी थी, लेकिन भिंडी जब बनाएं प्लीज़ फ्राई लाजमी किया करें। अच्छा, जब भी भिंडी बनाएं तो इसे फ्राई लाजमी करें। अच्छा, ये मैं भिंडी निकाल रही हूँ, अगर हमने गोश्त में डालनी है फिर हम थोड़ी ज़्यादा फ्राई करेंगे, और अब हमने सब्ज़ी में डालनी है तो इसे इतना ही जो है ना वो कलर देना है। ये देखें, हल्का हल्का सा गोल्डन आना शुरू हो गया है, तो मैं इसे सरों को निकालती हूँ भिंडी को, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। भिंडी को निकाल लेने के बाद जो सबसे पहले मैं ऑयल में चीज़ ऐड करूँगी वो है लहसुन। ठीक है, लहसुन डाल दिया और साथ ही हल्का सा खुशबू आ गई है इसकी, और साथ ही अदरक खुशबू आने तक बना रहे हैं, और इसमें मैं शामिल करूंगी अनारदाना। बस इसे 2 मिनट खुशबू आ जाए ज़रा इसकी, अदरक और लहसुन की, अनारदाना की, तो अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं प्याज शामिल करेंगे। और प्याज को मैं थोड़ा गोल्डन होने दूंगी, अच्छा प्याज के साथ मैं एक मसाला ऐड करूंगी। इसके साथ मैं सबसे पहले हल्दी को शामिल करूंगी, ये हल्दी सिर्फ हम शामिल करेंगे, हल्दी को मैं प्याज में भून लूं फिर बाकी मैं मसाले जो है वो ऐड करूंगी। इसे हल्का सा गोल्डन होने देते हैं फिर मैं आती हूँ। प्याज ही गोल्डन हो गया है, ये देखें ज़बरदस्त का, तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी बाकी मसाले, जिसमें से कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और किसी भी लाल मिर्चें। ठीक हो गया, मिक्स करते हैं इसको। अच्छा जी, और साथ ही मैं इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया ये शामिल कर दिए, सिर्फ गरम मसाला बचाया, बाकी सारे मसाले शामिल कर दिए। फिर से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा जी,
अब इसमें मैंने कोई पानी वानी ऐड नहीं किया। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्के हल्के से भून भी गए हैं, तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर का पेस्ट। दो टमाटर मैंने छील के अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे, तो वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं जी। अब मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी जब तक कि इसका अच्छे से घी सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो साथ ही हम इसमें थोड़ा शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। तो अब इसे हम भूनते हैं तकरीबन इतना कि इसका घी सेपरेट हो जाए, फिर मिलते हैं। घी हल्का हल्का सेपरेट सा हो गया है, तो साथ ही मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब अच्छे से भुनेंगे सारे मसाले को और फिर आपसे मिलते हैं। मसाला तो जनाब बहुत अच्छी तरह से भून गया है, क्योंकि कितना ज़बरदस्त घी भी सारा सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ वो शामिल करूँगी और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको आपस में। इसमें जो बचा हुआ था मेरे पास गरम मसाला, तो मैं गरम मसाला जो है वो इसमें ऐड कर दिया। अब मैं हल्की सी आंच पे इसे तकरीबन 10 मिनट दम पे दूंगी और दम इसको लग जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसमें हम धनिया भी डाल देते हैं और मैं इसको दम पे रख रही हूँ। दम पे रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 10 मिनट दम लग गया हुआ है और 10 मिनट दम के बाद कंडीशन चेक करते हैं। वाह जी वाह, मैंने बीच में थोड़ा सा चम्मच भी हिलाया था 5 मिनट पहले, तो भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। चलो जी, मैं तो अब खाना खाऊंगी। मेरा तो आज का मसला हल हो गया कि आज क्या पकाएं। आप भी देखिए आप क्या पकाएंगे। मैं तो कहती हूँ भिंडी प्याज बनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।